हेलो एवरीवन दोस्तों, आज पर आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग अगर शेयर चैट पर अपना चैट रूम यूज करते हो, चैट रूम आप लोग चलाते हो, उसमें अपने आप से गिफ्टिंग बॉक्स लगा हुआ है। अब आप लोग चाहते हो कि उसका जो पेमेंट है ना, वो आप लोग को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग के लिए इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा कि दोस्तों कैसे आप लोग का जो अपने आप से शेयर चैट चैट रूम में गिफ्टिंग बॉक्स लगा हुआ है ना, उसका आपको पेमेंट लेना है मेरे भाई। तो आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो एक सेल सेट का नया अपडेट आया ना, उसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे आप लोग चैट रूम बनाते हो ना, तो ये चैट रूम जो आपने क्रिएट किया उसके तुरंत बाद उसमें ऑटोमेटिक गिफ्टिंग बॉक्स में आ गया है। अब जो गिफ्टिंग बॉक्स ऑटोमेटिक आया है दोस्तों, आप लोग को नहीं पता किस एजेंसी से है वो, कि उसका जो पेमेंट है ना वो आप लोग को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जो पेमेंट है वो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे आप लोग चैट रूम आपने क्रिएट कर लिया, और चैट रूम क्रिएट करने के बाद आपको किसी एजेंसी से बॉक्स लगवाना पड़ता था, या फिर आपने जो चैट रूम है ना वो आपने क्रिएट किया और उसके बाद अपने आप से बॉक्स उसमें लग गया 10 से 15 दिन यूज करने के बाद। तो दोस्तों, उसका क्या है ना, केवाईसी आप लोग आसानी से कर सकते थे, उसका पेमेंट जो है ना शेयरचैट वाले देते थे। बट उसमें एक दिक्कत रहता है कि जो शेयरचैट का जो पेमेंट रहता है, शेयरचैट ऑफिशियल वाले जो पेमेंट देते हैं ना, उसका वो GST ज़्यादा काट लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नए चैट रूम आप लोग अभी क्रिएट कर रहे हो, उसमें जो गिफ्टिंग बॉक्स लग रहा है, तो भाई बहुत सारे लोगों का इसमें पेमेंट फंस सकता है। मैं आपको इस वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से संभल जाओ, अभी से अलर्ट हो जाओ। दोस्तों, आप लोग का जो पेमेंट है ना, ऐसा कम से कम मान लो अगर 100 होस्ट हैं, 100 में से कम 75 लोगों का पेमेंट इसमें फंसेगा, और 100% फंसेगा दोस्तों। क्योंकि जो अपडेट आया है ना, आपने चैट रूम क्रिएट किया और चैट रूम क्रिएट करने के बाद सीधा उसमें गिफ्टिंग बॉक्स लग रहा, उसके बाद आप लोग को नहीं पता कि आपका जो चैट रूम है ना वो किस एजेंसी से है। क्योंकि अपने आप बॉक्स लगता है वो दो अभी जो बॉक्स पहले लगता था वो शेयरचैट की तरफ से रहता था ऑटोमेटिक, अब जो लग रहा है वो दो तरह से लग रहा है, एक तो आपका एजेंसी में ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा आपका शेयरचैट में आपका रह रहा है। बट शेयरचैट में वो आपका बॉक्स है बहुत ही मुश्किल है कि वो शेयरचैट की ऑफिशियल शेयरचैट पर रहे भाई, उसका आप लोग KYC नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों का पेमेंट इसमें फंसेगा दोस्तों। तो आप लोग को ध्यान से ये देखना है कि जो आपके पास चैट रूम आपने क्रिएट किया उसका जो बॉक्स उसमें लग गया है ना, तो दोस्तों मैं आपको अपनी ID दे रहा हूँ, जो शेयरचैट की ID है ना, आप लोग मुझे उस पर मैसेज करना। आप लोग देख सकते हो मेरी जो ID है ना, तो आप लोग इस पर मुझे मैसेज कर देना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करके सीधा मुझे मैसेज कर लेना, और मैसेज में आप लोग मुझे अपने चैट रूम का लिंक देना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपका जो चैट रूम है ना, वैसे अगर आप लोग मेरी मानो तो जो चैट रूम है ना उसको किसी एजेंसी में आप लोग ट्रांसफर करवा सकते हैं। ट्रांसफर करवाने से क्या ना, आपको पिनिंग और पेमेंट आपको उस टाइम पर मिल जाएगा, और अब वहीं अगर आपका जो ऑफिशियल की तरफ से रहता तो उसमें आपको पैन कार्ड वगैरह की जरूरत पड़ती, KYC वगैरह करना पड़ता, और उसमें क्या है ना बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर आप लोग बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो वो नहीं होता, उसमें ऑफिशियल वाले पैसे मांगते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आप लोग को मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका जो चैट रूम है ना वो अपनी एजेंसी में कर लूंगा। और मेरी एजेंसी में अगर आपका चैट रूम है भाई, आप लोग टारगेट कंप्लीट करते हो, तो भाई आपका पेमेंट टाइम पर मिल जाएगा। क्योंकि तो भाई मैं किसी का पैसा नहीं रखता हूँ, है। और दूसरी बात, आपको एजेंसी में अगर आप लोग मेरे में नहीं करवाते, किसी और के में नहीं करवाते, तो दोस्तों आपका जो चैट रूम है ना वो 5 लेवल से पहले, यानी आपका चैट रूम में 5 लेवल से पहले ही कोई ना कोई उसको अपनी एजेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको इसमें पता थोड़ी ना चलेगा कि आपका चैट रूम किस एजेंसी से है। तो दोस्तों, आप लोग एक बार मुझसे कंफर्म जरूर कर लेना कि आपका जो चैट रूम किसी एजेंसी से है, शेयरचैट की तरफ से, वो सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। तो आप लोग मुझे मेरी शेयरचैट ID पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हो कि हमारा जो चैट रूम है हम उनको चलाना है, तो भाई आप लोग मुझे मैसेज जरूर कर देना। और आप लोग चाहते हो कि मुझे नया चैट रूम क्रिएट करना है, तो भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर नया चैट रूम आप लोग लेना चाहते हो। और दोस्तों, आप लोग मैसेज अब करोगे ना, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तो भाई आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोग के लिए नए नए ट्रिक्स जो रहते हैं वो आप लोग के लिए लाता रहता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके पास ऑटोमेटिक बॉक्स है उसका पेमेंट आपको लेना है, तो दोस्तों आप लोग मुझे मैसेज कर लेना, क्योंकि मैं इसमें इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये बात आप लोग मुझसे लिख करके ले लो, अगर 100 में से
75 लोगों का पेमेंट तो फंसेगा ही फंसेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो 25 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे कि हमारा जो चैट रूम है वो किस एजेंसी से है, और उसमें से भी बहुत सारे नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों को भी पेमेंट इसमें फंस सकता है। तो आप लोग एक बार मुझसे कन्फर्म जरूर कर लेना, मुझे आप लोग मैसेज कर देना मेरे शेयरचैट आईडी पर दोस्तों, क्योंकि मैं अपना नंबर तो किसी को देता नहीं। नंबर वो लोग देते हैं जिनको कोई फ्रॉड करना होता है, तो वो लोग सोचते कि जो कोई हमारी ऑडियंस है ना, कोई भी है ना, वो सीधा हमसे कांटेक्ट कर सके और हम उसके साथ फ्रॉड करके निकले आराम से। भाई मेरा कोई ऐसा नहीं रहता, मैं नंबर किसी को अपना पर्सनल देता नहीं। मेरे पास इंस्टाग्राम है और मेरा शेयर चैट है दोस्तों, तो आप लोग वहाँ मुझे मैसेज कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।